आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मसाला ब्रेड की रेसिपी। इसे आप एक बार घर पे ट्राई करें दोस्तों, आपको जरूर बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं देसी चेस का किचन। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। यहाँ हम ले लेते हैं नॉनस्टिक। नॉनस्टिक में 2 चम्मच के करीबन रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। यहाँ हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें चॉप किया हुआ ऑनियन भी यूज़ कर देते हैं। मिर्च कम लग रहा है तो और थोड़ा डाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास जो मिर्च था कटा हुआ, मैं उसको भी ऐड कर देते हैं। हरा मिर्च तो मैंने ऐड कर दिया है, तो चलिए टमाटर भी मैं यहाँ यूज़ करते हैं, चॉप किया हुआ जो मेरा टमाटर था। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस मसाला डालने का है। तो चलिए नमक हमने 1/2 चम्मच यूज़ कर दिया और यहाँ हम लाल मिर्च 1/2 चम्मच के करीबन यूज़ करेंगे और किचन किंग भी 1/2 चम्मच के करीब ही यूज़ करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ आ गया मेरा हल्दी पाउडर और यहाँ मेन कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर। फाइनली सारा मसाला डल चुका है, बट एक मसाला बाकी है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरा पाउडर आप इसे 1/4 डाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसे कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। तो चलिए ये हमारा सारा मसाला मिक्स हो चुका है। और एक बार, आप लोग चैनल पे आते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ हमारा सारा मसाला बढ़िया से पक चुका है, तो इसमें हम जो ब्रेड काट के रखे थे क्यूब साइज़ का, उसे हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए ब्रेड हमने ऐड कर लिया, इसे कर लेंगे हम बढ़िया से मिक्स। थोड़ा धनिया पत्ता भी बीच में हम डाल देते हैं। फाइनली ब्रेड तो हमने डाल दिया है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, और ब्रेड को हमें हल्का हाथों से ही चलाना है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग स्पीड में चलाएंगे या फिर तो रफली चलाएंगे तो ये ब्रेड हल्का हल्का टूटने लगेगा, तो उससे थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो फाइनली टेस्टी सा मसाला ब्रेड हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं एक बॉल में। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट पे जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बेल आइकन वाला घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचे।